फिलहाल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को झटका लगा है और राहुल द्रविड़ और रोहित ने प्रसिद्ध कृष्णा को लेने को यहाँ पर ये, लेकिन हमारी बात अगर ये कोचेस सुन रहे हैं, मतलब मैं कोई और कोचेस की, मैं ये जो ग्रास रूट जिनके पास 300-300 बच्चे तीन से, जिनके पास 10 साल से लेके 14 साल के बच्चे हैं या 15 साल या 16 साल के बच्चे हैं, फॉर गॉड सेक उनसे गेंदबाजी कराओ बैट्समैन से। अगर आप बैट्समैन से गेंदबाजी कराओगे तभी देश का भला होगा, और अगर आपका लड़का इंडिया में इंडिया आके खेलेगा तो नाम तो आपका होगा यार, मेरा थोड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए उन कोचेस के लिए, अगर वो उनमें से कोई भी हमारा शो देख रहा है ना, कल से आप अपने बल्लेबाजों को गेंदबाजी कराओ। वो कुछ भी करता है, फास्ट बॉलिंग करता है, स्पिन करता है, लेग स्पिन करता है, आप गेंदबाजी कराओ। इसमें ये अपना भला मत सोचिए, उसमें देश का भला सोचिए। देखिए अगले 2-3 सालों में वही समय जो कपिल पाजी के टाइम का समय था, जो सहवाग के टाइम का समय था, या सचिन कितने अच्छे गेंद करते थे यार, लाजवाब, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन सब करते थे, फ्लिपर सब मारते थे, कभी शेन वॉर्न बन जाते थे, कभी वो ऑफ स्पिनर बन जाते थे। अमेजिंग ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर, बैट्समैन बोलते हैं लेकिन वाकई में वो ऑलराउंडर थे, जबरदस्त आए थे, फास्ट बॉलर बन गए बैट्समैन, और उसके बाद लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, मैच जीता अमेरिका से, वो हीरो का था, कलकत्ता में मैं था उस टीम में, लेग स्पिन करके भाई। तो सचिन तेंदुलकर वाज अ ग्रेट ऑलराउंडर, है वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर सब बॉलिंग करते थे यार, कमाल की बात थी। पीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ के अलावा मैंने हर किसी को बॉलिंग करते हुए, युवराज तो वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट जब बने थे, बॉलिंग से आधे मैचेस उन्होंने रोक दिए थे अपने हक में कर दिए। आप मतलब लास्ट तक ये जो हम बात कर रहे हैं 2000-2005-07 तक लगा लो, आप कोई बैट्समैन का नाम ले लो, मतलब 11 की जो टीम थी सब गेंदबाजी करते थे। सौरभ गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एग्जैक्टली, बस दिलीप भाई नहीं करते थे, रवि शास्त्री, मोहिंदर अमरनाथ, आप नीचे आ जाओ, मतलब द्रविड़ को मैंने कभी नहीं देखा। एक्सेप्शंस रहती हैं, अब कोई नहीं कर पा रहा तो उसको आप जबरदस्त, लेकिन अगर आप 10 को कहोगे ना गेंदबाजी करने के लिए, उसमें से 6 भी करेंगे, मोटिव इज डन।